और देखिए, राजधानी में पहले से ही चल रहा सार्वजनिक परिवहन निर्माण विभाग का संकट अब और बढ़ने वाला है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल से जयपुर में 100 लो फ्लोर बसें बंद होने वाली हैं। ऐसे में लोगों को बसों में बैठने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर में बीते कई समय से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधन आसानी से नहीं मिल रहे हैं। 1 अप्रैल से राजधानी के लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है। 1 अप्रैल से जयपुर में 100 लो फ्लोर बसें कम हो जाएंगी। मौजूदा समय में JCTSL की ओर से 300 लो फ्लोर बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन 1 अप्रैल से शहर में सिर्फ 200 बसें ही चलेंगी। कबाड़ होने के कारण 100 बसों का JCTSL ने रूट ऑफ कर दिया है। लो फ्लोर बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने रूट पर बसों का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो बस 15 मिनट में मिलती है, वह अब 30 मिनट में मिल सकेगी। हालांकि JCTSL के अधिकारियों ने कोशिश की है कि 200 बसों की संख्या से अधिकतर शहर को कवर किया जा सके। 1 अप्रैल से 100 लो फ्लोर बसें बंद। सांगनेर से छोटी चौपड़ रूट पर 14 बसें चलेंगी। 9 मिनट के अंतराल पर यहां बस मिल सकेगी। दादी का फाटक से अग्रवाल फार्म रूट पर 16 बसें चलेंगी। 12 मिनट के अंतराल में यहां बस मिल सकेगी। ट्रांसपोर्ट नगर से खिड़नी फाटक रूट पर 14 बसें चलेंगी। यहां भी 12 मिनट के अंतराल पर बस मिलेगी। द्वारकापुरी से ट्रांसपोर्ट नगर रूट पर 12 बसें चलेंगी। यहां 13 मिनट के अंतराल में बस मिल सकेगी। अजमेरी गेट से चाकसू रूट पर 13 बसें चलेंगी। यहां 15 मिनट के अंतराल में बस मिलेगी। अजमेरी गेट से रेनवाल के रूट पर 10 बसें चलेंगी। यहां बस के लिए 18 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। चौमू पुलिया से बस्सी रूट पर 13 बसें चलेंगी। यहां 20 मिनट में बस मिलेगी। JCTSL प्रबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 रूट की बसों को बंद करने का फैसला लिया। हालांकि दूर दराज के गांव से जयपुर आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल, अगर सही समय पर वित्त विभाग से JCTSL को नई बसें खरीदने की अनुमति मिल जाती तो आमजन को परेशानी से बचाया जा सकता था। अब देखने वाली बात है कि कई महीनों पहले JCTSL की ओर से नई बसों को खरीदने के प्रस्ताव को सरकार कब मंजूरी देती है। जयपुर जैसे महानगर में सार्वजनिक परिवहन के लिए अगर सिर्फ 200 सिटी बसें उपलब्ध हैं तो आप समझ सकते हैं कि जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन की हालात कितनी ख़राब है। अगर जल्दी ही सरकार ने JCTSL को नई बसों की खरीद के लिए मंजूरी नहीं दी तो जयपुर में हालत और ख़राब होने वाली है। कैमरामैन गिरीश के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।